बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरेशन टू फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपको याद होगा हमारा लेक्चर नंबर 6 था और हमने डिस्कस किया था वेज फॉर फैब्रिकेटिंग टू डायमेंशन थिन फिल्म्स। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसको हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज यानी टाइप्स ऑफ डिपोजिशन। तो डिपोजिशंस की कितनी टाइप्स होती हैं इसको हम आज डिस्कस करेंगे और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिपोजिशन की कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपोजिशन, पीवीडी व्हिच इज़ फिजिकल वेपर डिपोजिशन एंड सीवीडी व्हिच इज़ केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो लेट्स डिस्कस पीवीडी। पीवीडी इज करेक्टराइज बाय अ प्रोसेस इन विच द मटीरियल गोज फ्रॉम अ कंडेंस फेस टू अ वेपर फेस एंड देन बैक टू अ थिन फिल्म कंडेंस फेस। पीवीडी एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें मटेरियल एक कंडेंस फेस से वेपर फेस में जाता है और उसके बाद दोबारा फिर किस में आता है, थिन फिल्म कंडेंस फेस में। सो द मोस्ट कॉमन पीवीडी प्रोसेस आर स्पटरिंग एंड इवापोरेशन। ये वो दो कॉमन प्रोसेस हैं पीवीडी के जो कि कॉमनली यूज होते हैं। सो पीवीडी इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ आइटम्स विच रिक्वायर थिन फिल्म फॉर मकैनिकल, ऑप्टिकल, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन। तो पीवीडी को इस्तेमाल किया जाता है इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ दीज मटीरियल्स, यानी अगर हम उनकी थिन फिल्म मैनुफैक्चर करते हैं लाइक मकैनिकल, ऑप्टिकल, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस के लिए, तो फिर हम पीवीडी टेक्निक को यूज़ करते हैं। एग्जांपल इंक्लूड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सच एज थिन फिल्म सोलर पैनल्स हैं, उसमें हम पीवीडी टेक्निक को यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पीवीडी प्रोसेस, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, थिकनेस ऑफ कोटिंग कैन बी मोनिटराइज, फिल्म डिपॉजिट्स स्मूथ यूनिफॉर्म होती है, लो टेम्परेचर रिक्वायर होता है पीवीडी प्रोसेस के लिए। तो ये एडवांटेजेस हैं पीवीडी प्रोसेस के। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द पीवीडी प्रोसेस, तो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज कैन इम्पोज कंस्ट्रेंट, फॉर एग्जाम्पल लाइन ऑफ साइट ट्रांसफ़र इज टिपिकल ऑफ द मोस्ट पीवीडी कोटिंग टेक्निक। हाउएवर देयर आर मेथड दैट अलाउ फुल कवरेज ऑफ द कम्प्लेक्स जियोमेट्रीज। तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस इस तरह हैं कि कुछ मखसूस किस्म की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो कंस्ट्रेंट अप्लाई करती हैं किसके ऊपर, पीवीडी के ऊपर। मसलन वो कहती हैं कि लाइन ऑफ साइट ट्रांसफ़र इज टिपिकल ऑफ द मोस्ट पीवीडी कोटिंग टेक्निक्स, हाउएवर देयर आर मेथड। तो वो ये कह रही हैं कि जी लाइन ऑफ साइट ऑफ ट्रांसफ़र जो होता है ज़्यादातर पीवीडी कोटिंग का, वो क्या होता है कि मोस्ट पीवीडी कोटिंग टेक्निक्स, हाउएवर देयर आर मेथड और दैट अलाउ फुल कवरेज ऑफ द कम्प्लेक्स ज्योमेट्री। लाइन ऑफ साइट होती है पीवीडी कोटिंग टेक्निक के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा मेथड ऐसे हैं जो कि फुल कवरेज ऑफ कम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज अवेल करते हैं। सम पीवीडी टेक्नोलॉजीज टिपिकली ऑपरेट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वैक्यूम्स। कुछ पीवीडी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनके लिए हाई टेम्परेचर और हाई वैक्यूम रिक्वायर होता है, सो रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन बाय ऑपरेटिंग पर्सनल। तो ज़ाहिर बात है कि जब हम उनको हाई टेम्परेचर पे और हाई वैक्यूम पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा केयर और अटेंशन रिक्वायर है, और ऐसी कंडीशन को किसी लैब के अंदर या किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर जनरेट करना एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। रिक्वायर्स अ कूलिंग वाटर सिस्टम टू डिसिपेट लार्ज हीट लोड्स। ज़ाहिर बात है अब अगर हाई टेम्परेचर और हाई वैक्यूम रिक्वायर है तो फिर एक कूलिंग वाटर सिस्टम रिक्वायर होगा ताकि इस हाई हीट लोड को क्या किया जा सके, डेसिपेट किया जा सके। ओके, केमिकल वेपर डिपोजिशन यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन में सीवीडी जो हमारे पास है,
इज़ अ वैक्यूम डिपोजिशन मेथड यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस सॉलिड मटेरियल। अगर आपने हाई क्वालिटी और हाई परफॉर्मेंस सॉलिड मटेरियल बनाने हैं, जनरेट करने हैं, तो उसके लिए आप CVD यूज़ करते हैं। द प्रोसेस इज़ ऑफन यूज इन द सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस थिन फिल्म। कहाँ पर ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है? सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में थिन फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए CVD टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। CVD इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ एटॉमिक लेयर डिपोजिशन एट डिपोजिटिंग एक्सट्रीमली थिन लेयर ऑफ मटेरियल। CVD मोस्टली जो है इस्तेमाल होता है एटॉमिक लेयर डिपोजिशन में, जहाँ पे हम एक बहुत ही थिन लेयर जो है उसको डिपोजिट करते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर। एडवांटेजेस क्या हैं कि CVD फिल्म्स आर जनरली क्वाइट कन्फॉर्मल, दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फिल्म टू यूनिफॉर्मली कोट अ टोपोग्राफिकली कम्प्लेक्स सबस्ट्रेट, कि एक सबस्ट्रेट के ऊपर इसको हम क्या कह सकते हैं, इसकी एबिलिटी होती है कि ये यूनिफॉर्मली कोट होता है, ठीक है, किसी भी टोपोग्राफिकली कम्प्लेक्स सबस्ट्रेट के ऊपर। वर्सटाइल यानी एनी एलिमेंट और कंपाउंड कैन बी डिपोजिटेड, इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड डिपोजिट किया जा सकता है। हाई प्योरिटी कैन बी ऑब्टेन, हाई प्योरिटी आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाई यूजिंग CVD। हाई डेंसिटी नियरली 100% ऑफ द थ्योरेटिकल वैल्यू जो है अवेल होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। CVD फिल्म्स आर हार्डर देन सिमिलर मटीरियल प्रोड्यूस यूजिंग कन्वेंशनल सिरामिक फैब्रिकेशन प्रोसेस। CVD फिल्म्स जो होती हैं ये हार्डर होती हैं अगर आप इसी तरह के मटेरियल जो कि आपने CVD से जनरेट किए हैं बाय यूजिंग CVD, अगर आप उसको प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग कन्वेंशनल सिरामिक फैब्रिकेशन प्रोसेस, तो उस प्रोसेस के मुकाबले में CVD फिल्म से प्रोड्यूस किए गए जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्डर होते हैं। मटेरियल फॉर्मेशन वेल बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, इसमें एक फ़ायदा ये है कि जो मटेरियल्स हैं वो बिलो द मेल्टिंग पॉइंट उनकी फॉर्मेशन पॉसिबल होती है। इकोनॉमिकल इन प्रोडक्शन सिंस मैनी पार्ट्स कैन बी कोटेड एट द सेम टाइम, तो ये इकोनॉमिकल है प्रोडक्शन में क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स जो हैं उनको कोट किया जा सकता है एट द सेम टाइम। डिसएडवांटेजेस CVD के क्या हैं? नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, रिएक्टिव गैसेस और पॉइजनस होती हैं जो इनमें यूज़ होती हैं। सबस्ट्रेट प्रॉपर्टीज़ चेंज ड्यू टू हाई टेम्परेचर, सबस्ट्रेट का टेम्परेचर जो है प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। इट इज़ मोर लेस एक्सपेंसिव दैन PVD, ये PVD के मुकाबले में मोर लेस एक्सपेंसिव है, इसके मुकाबले में ये महंगा। डिसएडवांटेजेस फर्दर भी कुछ गिवन है कि केमिकल एंड सेफ्टी हैजर्ड कॉज बाय द यूज़ ऑफ टॉक्सिक कोरोसिव फ्लेमेबल एंड और एक्सप्लोसिव प्रीकर्सर, देयरफॉर एक्स्ट्रा स्टेप्स हैव टू बी टेकन इन द हैंडलिंग ऑफ प्रीकर्सर एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द रिएक्टर एग्जॉस्ट।